आज घूमेंगे हम इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन में, वो है गुलमर्ग। इसे मेडो ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है और यहाँ के कलरफुल फ्लावर्स देख के आपको समझ ही रहा होगा। गुलमर्ग में अक्टूबर से फरवरी तक भारी बर्फ होती है और तभी यहाँ पे दुनिया भर से लोग स्कीइंग सीखने आते हैं। गुलमर्ग में घूमने के लिए कई सारे प्लेसेस हैं जो आप एक दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। हमने श्रीनगर से वन डे ट्रिप किया था गुलमर्ग के लिए और करीब 1.5 घंटे में हम गुलमर्ग पहुंच गए। हाँ, बट मेक श्योर टू स्टार्ट योर ट्रिप अर्ली बाय 7 AM। गुलमर्ग में मार्केट एरिया में पहुंचने के बाद खाने के कई सारे ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ पे आके नाश्ता कर सकते हैं। और यहीं पे जम्मू कश्मीर टूरिज्म का एक बोर्ड लगा है जहाँ पे आपको हर एक एक्टिविटी, पोनी राइड और कार चार्जेस लिखे हुए मिलेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड टू डू गंडोला राइड फर्स्ट, क्योंकि इसके बाद आपके पास टाइम रह जाता है टू एक्सप्लोर गुलमर्ग। गंडोला के फेज 1 तक के चार्जेस है 700 रुपीज और वहां से फेज 2 के लिए है 900 रुपीज। ये आप ऑनलाइन उनके वेबसाइट पे बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। फिर गंडोला राइड के बाद आप जा सकते हो महाराजा पैलेस, बट जाते टाइम यहाँ राइट साइड में एक व्यू पॉइंट है जिसे बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ से पूरे वैली का एक ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू दिखता है, सो मेक श्योर टू विजिट दिस व्यू पॉइंट। इससे थोड़े आगे जाके ही महाराजा पैलेस का रास्ता दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पोनी राइड करके जा रहे हैं, बट ये रास्ता जस्ट थोड़ा सा है तो हॉर्स राइड की एज सच यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आप चल के ही यहाँ ऊपर महाराजा पैलेस तक जा सकते हैं। ये महाराजा पैलेस एक जमाने में कश्मीर के राजा रणबीर सिंह का एक पैलेस हुआ करता था और इस महाराजा पैलेस की एंट्री फी है 30 रुपीज। इस पैलेस में एक म्यूजियम भी है जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो बस ये महाराजा पैलेस घूम के अब हम निकले हमारे नेक्स्ट पॉइंट, वो है सेंट मेरीज चर्च की तरफ। ऑन द वे ही आपको गुलमर्ग गोल्फ कोर्स दिखेगा जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट 18 होल गोल्फ कोर्स में से एक है। हम जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे ये चर्च बंद था, बट एनीवे वहां का रास्ता काफी सीनिक है, तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम दिस चर्च। गुलमर्ग में एक स्ट्रॉबेरी वैली भी है जहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉबेरी सीजन में आपको स्ट्रॉबेरीज दिखेंगे, बाकी टाइम पे तो इट्स जस्ट एन एग्रीकल्चरल लैंड। वैसे मेनी सीन्स ऑफ द शशि कपूर एंड अमिताभ बच्चन स्टारर नमक हलाल वर शॉट इन एंड अराउंड दिस स्ट्रॉबेरी वैली। यही रूट पे आपको चिल्ड्रंस पार्क भी दिखेगा where the kids are going to have fun time enjoying the toy train, car rides and swings. इसके बाद अगर टाइम है तो यू कैन ऑल्सो विजिट बूटा पथरी, बट मेक श्योर टू कैरी आधार कार्ड और वोटर कार्ड एज यहाँ पे जाने के लिए स्पेशल परमिट की जरूरत है, बट इसके लिए कोई चार्जेस नहीं पे करने, सो डोंट गेट फूल्ड बाय द टैक्सी ड्राइवर्स। बूटा पथरी का ये रास्ता भी काफी सीनिक है, बट ये चीज शायद आप वहां जाकर ही समझोगे, क्योंकि ये जगह ज्यादा टूरिस्ट को पता नहीं है तो यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम है। जाते समय हमने नागिन वैली पे स्टॉप लिया था टू जस्ट सिट हियर एंड अब्सॉर्ब दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ द नागिन वैली। आई कीप ऑन ट्रैवलिंग अ लॉट एंड दैट मीन्स जगलिंग विद माई एवरीडे स्टफ फ्रॉम माई ऑफिस बैग टू ट्रैवल बैग। वेल, आई डोंट हैव टू डू इट एनीमोर बिकॉज आई हैव बॉट दिस ज़ूक बैग। दिस बैग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर माई फैशन, ट्रैवल एंड ऑफिस नीड। I can carry all my daily stuff, including laptop, in this bag. And while traveling, I just have to pop in my extra travel cubes and I'm ready to go. And the best part is, these Zook bags are made up of 100% vegan leather. They have beautiful collection and a perfect gift for any occasion. अगर आपको भी ऐसी बैग चाहिए, तो उनके वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। And you can also get this 15% discount by using our coupon code, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनकी वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, so do check it out. और बस इससे 10 मिनट आगे ही था बूटा पथरी।
ये लास्ट स्पॉट है जहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं। बूटापत्री में भी कई सारे खाने के स्टॉल्स हैं, तो यू कैन कम हियर एंड ईट एज वेल। ये फॉरेस्ट एरिया था और इसके बीच बहने वाला ये एकदम चिल्ड वाटर स्ट्रीम। यहाँ पे भी बैठ के यू कैन क्लिक सम ऑसम पिक्चर्स एंड एंजॉय फॉर सम टाइम। फिर यहाँ से लौटते समय आप जा सकते हैं महारानी टेम्पल। ये भगवान शिव जी और माता पार्वती को डिवोटेड है। ये मंदिर थोड़ा ऊंचाई पे जरूर है, बट वहाँ पहुंच के दिल खुश हो जाएगा। विंटर में यहाँ का काफी एरिया बर्फ के अंदर ढका हुआ रहता है और बाकी समर्स में ये पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। वैसे यहाँ पे भी बॉलीवुड का एक फेमस सॉन्ग जय जय शिव शंकर यहाँ पे शूट हुआ है। गुलमर्ग से श्रीनगर लौटते हुए आपको साइड में यहाँ बहुत सारे कश्मीरी शॉल्स के शॉप्स दिखेंगे। आपको यहाँ पे बहुत सारे पश्मीना शॉल्स के सुंदर कलेक्शंस देखने मिलेंगे, और अगर आपको शॉपिंग भी करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे कोई और एक नई जगह लेके। तब तक अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।